अरे भाई सब्सक्राइबर्स कहाँ गायब हो गए? अरे कुछ शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहे हो भाई। हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो, आज का इस टॉपिक सिर्फ आप लोगों की डिमांड की वजह से है। दोस्तों आप लोग तो कई बार मुझे पूछ चुके हैं कि भाई तू क्या किया है, जैसे कि तू सारा सब्सक्राइबर क्यों नहीं शो कर रहा है, कितना सब्सक्राइबर है हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, जब हम वीडियो देखते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। ये आप कई बार 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 मुझे, बहुत यूट्यूबर्स मुझे पूछ चुके हैं, जिनको जो जो नए हैं यूट्यूब पे और जिनको ये सब मालूम नहीं है। तो दोस्तों चले मैं आपको वही सेटिंग दिखाऊंगा कि मैं कैसे मेरा सब्सक्राइबर हाइड करता हूँ, और आप भी सीखिए, आपका भी ये बहुत कुछ काम में आ सकता है। तो दोस्तों बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। भाई जोर से नहीं दबा रहेगा नहीं तो मोबाइल टूट जाएगा, तो मेरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके आप अपने हिसाब से आप दबा सकते हैं। तो भाई दबा दीजिए, वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ यस, आप देख रहे हैं ड्रिट टेक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर को अपने मोबाइल में। अच्छा चलो फिर से पहले क्रोम ब्राउजर के ऊपर चलते हैं और उसके बाद ओपन करते हैं जो यूट्यूब क्रोम ब्राउजर में। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से जो 3 डॉट दिख रहा है कॉर्नर में, आपको तो बहुत बार बता चुका हूँ ये, उसके ऊपर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को सिंपल से ऑन कर लेना है। ठीक है, जो डेस्कटॉप वर्जन ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको इस कोने में जो राइट साइड के कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा आपका खुद का चैनल का लोगो, बस उस लोगो के ऊपर आपको क्लिक करना है। और उस तो लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो का एक ऑप्शन, जो कि हमें यूट्यूब स्टूडियो उस ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। बस यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करने के बाद आपका के सामने खुल के आ जाएगा यूट्यूब, जो क्रिएटर स्टूडियो या यूट्यूब स्टूडियो जो भी हो आपके सामने खुल के आ जाएगा, क्योंकि क्रोम में यूज़ करने से वो यूट्यूब स्टूडियो दिखाता है और बाकी ब्राउजर में मैंने जब यूज़ करके दिखा तो वहाँ क्रिएटर स्टूडियो शो कर रहा था। दोस्तों ये खोल के आने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर में दिख रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन, बस आपको सिंपल सा वो सेटिंग के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों आपके सामने खुल के आ जाएगा फिर से सेटिंग का ये इंटरफेस, जिसमें कि आपको 6 ऑप्शंस दिख रहे होंगे जो जो कि है जनरल चैनल अपलोड डिफॉल्ट्स परमिशंस कम्युनिटी एग्रीमेंट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो दोस्तों बस आपको चले जाना है चैनल के ऊपर, चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग, ब्रांडिंग और फीचर एलिजिबिलिटी, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस होंगे, बस आपको चूज करना है एडवांस्ड सेटिंग को। दोस्तों एडवांस सेटिंग को चूज करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए स्क्रीन को और उसके बाद आपको नीचे आ जाएगा आपका जो सब्सक्राइबर काउंट। ठीक है, आपका जो ये सब्सक्राइबर काउंट जो ऑप्शन है वो हमारा, आप देख सकते हैं यह हमारा अनटिक होके अभी तक पड़ा है, क्योंकि हम अभी तक हमने अब हमारे चैनल में अभी आपको कोई सब्सक्राइबर शो नहीं हो रहा, इसने अनटिक करके रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप आपका यहाँ अगर आपका सब्सक्राइबर सबको दिख रहा है, सब व्यूअर्स आपके सब्सक्राइबर को देख रहे हैं और आप सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप आपका यहाँ टिक होके रहेगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको आप अनटिक कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे है आप देख सकते हैं, अनटिक कर दीजिए पहले, नहीं तो मैं आपको टिक करके भी दिखा देता हूँ। टिक कर दिए, टिक करने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन जो दिख रहे हैं हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम एक दूसरे ईमेल से हम देखेंगे कि हमारा चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो शो करता है कि नहीं। ठीक है, चलो फिर यूट्यूब ओपन करते हैं। हम एक दूसरे चैनल भी लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ दूसरे चैनल दूसरे के अकाउंट लॉगिन करके हम देख चेक करेंगे। तो दोस्तों ये लो में इसको हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद हम यहाँ अपना चैनल को यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ चैनल में देख सकते हैं, आपको ये चैनल यहाँ पे खुल के आ गया और आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर यहाँ शो कर रहा है, तो मतलब आपको समझ चुके होंगे सब्सक्राइबर काउंट को टिक करने के बाद आपको सब्सक्राइबर शो करते हैं। तो अब चलो उसको अनटिक करके आते हैं। ठीक है, चलो बस हम चलेंगे क्रोम पे, वहीं जहाँ पे थे वहाँ पे जाने के बाद उसी तरह प्रोसीड्योर हम फॉलो करके सेटिंग को जाएंगे।
सेटिंग पे जाके जनरल एडवांस सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके ये जो सब्सक्राइब अकाउंट इसको हम अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद फिर से मिनिमाइज करके हम चलते हैं यूट्यूब पे। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं वही पुराना चैनल, पुराना अकाउंट जो हमारा ओपन हो गई है दोस्तों, इसको हम रिफ्रेश कर लिए और देखो सब्सक्राइबर हाइड हो गए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि दोस्तों आप बहुत समझदार है, मैं जानता हूँ आपको होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तो और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लाइक अभी भी कर दीजिए, आपके पास टाइम है। तो अगर आपने भूल गए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे भी करके जाए ताकि और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक बाय बाय, टेक केयर, घर में रहे, सुरक्षित रहें।